केदार कश्यप ने एक वो किया था मीडिया में कि सरकार ट्रांसफर का उद्योग चला रहा है। ये बड़े बड़े अधिकारी है ना, इन लोग उद्योग चला रहे थे। शिक्षा कर्मी को बड़े अधिकारी बना देते, और जो पद में रहने वाला रेंजल को, ड्यूटी रेंजल को रेंजल बनाते थे, और रेंजल ऑफिस में बैठ के काम करते थे। एक गुरुजी को अधिकारी बनाते थे, अधिकारी को गुरुजी बनाते थे। हमारा सरकार आकर ये जो परिवर्तन कर रहा है, जो भी जिसका पद है वो पद ही सबसे रहेगा, और ये जो परिवर्तन उद्योग बंद करने वाला काम सरकार कांग्रेस पार्टी कर रही है। इनको होश नहीं है कि किसको बनाए थे, साली का नाम से, अपना पत्नी का नाम से साली को परीक्षा देने वाला, ये हमको उद्योग सिखा रहे हैं, ये अपना जाग के नहीं देख रहा है, ये सब बताएगा जनता। अभी विधानसभा में बताया, अब लोकसभा में बताएंगे। जब स्वर्गीय बलिराम कश्यप का देन था ये सांसद बना है, वो सांसद लायक भी नहीं है, ना इस समय छत्तीसगढ़ का बस्तर का जनता उसको पानी पिलाएगा। उसको एक दिन पूछ लेना कौन सा सन में पैसा सेंशन हुआ है। कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, भूटान परिवहन मंत्री दिल्ली में था 2007 में। मैं एस्टिमेट बनाया, तीन बार दिल्ली गया, कमलनाथ को मंत्री बनने से मैं बधाई देने गया था। वो ने बोला है कि कौन सा सड़क बनाना है। कमलनाथ जब नरसिंह राव सरकार में भूटान पर वो पर्यावरण मंत्री था, उस समय जेगरगुंडा आया था, उस समय कुंटा आया था, वो उस समय वो देखा था, वो पैसा दिया है ना, ये पैसा लाया है ना, ये रोड बनाए ना, आप बिना हाथ पैर का बात करना अच्छा शोभा नहीं देगा ना। अभी चुनाव पहुंच रहा है, जंगल में रहने वाला मेंढक पानी आंचने टुरपुर करता है ना, काली टुरपुर जानता है उसको ना। उसके कार्यकाल में मोदी सरकार में एक भी, मैं अभी दूरा गांव में कोंटा में जो काम कर रहा हूँ करोड़ का, वो 100 रुपया का भी काम अगर दिल्ली से लाया तो उसको पूछ लेना, ये चुनाव लड़ना है बोल के कोंटा रोड को हेमा मालिनी के गाल जैसा बनाऊंगा। अरे सरकार हमारा काम हमारा, 13 साल में हमारा सड़क बना, अब तू बोलता है हेमा मालिनी के गाल बनाऊंगा। तो ऐसे ऐसे लोग हैं भैया।